नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की निगाहें राज्यसभा के सांसद और सभा उपसभापति हरिवंश और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के ऊपर टिकी हुई है। जो लोग राजनीति के जानकार हैं, पत्रकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वह सब के सब मात्र दो व्यक्तियों के ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं। इस न्यूज वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले हफ्ते केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और प्रस्ताव तो दे दिया जा चुका है, उस पर चर्चा होगी, और दूसरा दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश ला रही है केंद्र सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था यह दिल्ली सरकार की, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उसके हक में होना चाहिए, और केंद्र सरकार ने उस सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को नल एंड वॉइड करने के लिए, यानी पानी पानी करने के लिए, किसी काम का नहीं रहने देने के लिए एक अध्यादेश ला रही है। उस अध्यादेश पर लोकसभा में इनके पास बहुमत है, ये तो पास करा चुके हैं। अब बात रही राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बसपा के भी सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जदयू के भी हैं। अब जदयू ने तो व्हिप जारी कर दिया कि सब के सब भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, केंद्र सरकार के अध्यादेश यानी बिल के खिलाफ वोट देंगे। पेच कहां फंसता है? जदयू के ही सांसद हैं हरिवंश और वो उपसभापति भी हैं। चर्चा यह हो रही है, क्या व्हिप का असर हरिवंश के ऊपर पड़ेगा? क्या हरिवंश भाजपा के तरफ वोट देंगे, अथवा जो है जदयू की बात मानेंगे और खिलाफ में वोट देंगे? लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बार बार कहा जाता है बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ना कभी नागनाथ कहा गया ना सांपनाथ कहा गया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल है, ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल है, बहन मायावती जी इस वक्त भाजपा के खिलाफ रहेंगे अथवा समर्थन में रहेंगे? ये जो बिल है दिल्ली सरकार के खिलाफ जो बिल लाई जा रही है, बहन मायावती जी किसके साथ है, केंद्र सरकार के साथ अथवा उसके खिलाफ? कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि जब राजस्थान में छह विधायक बसपा के थे, वो कांग्रेस में चले गए थे, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उन 6 विधायकों के खिलाफ व्हिप जारी किया था, और सबको मतलब आश्चर्य भी हुआ और सबको आशा और विश्वास था कि व्हिप जारी हो गया, अब ये कांग्रेस में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन ना सदस्यता खत्म हुई ना वो कांग्रेस से वापस आए, व्हिप वहीं का वहीं रह गया। अब जदयू ने भी व्हिप जारी किया है कि सबके सब भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं, सभी पार्टियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय होगा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार की जो है हस्तक्षेप हो जाएगी, सारा काम अगर केंद्र सरकार करने लग जाएगी तो फिर दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार किस काम की रह जाएगी। इस तरह से वो अपील करते हैं। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, एक देश के बड़े राज्य को 4 बार वो चला चुकी हैं, राज्य सरकार के साथ क्या समस्या आती है, और वरिष्ठतम नेता में से है, उनका क्या कहना है? वह भाजपा के समर्थन में वोट दिलवाएंगे अपने सदस्यों से या खिलाफ में, इस जो बिल के खिलाफ जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में होंगे अथवा दिल्ली की जनता के समर्थन में होंगे? यहां प्रश्न यह उठता है, अरविंद केजरीवाल नहीं जीतेंगे, दिल्ली की जनता जीतेगी अगर उस बिल के खिलाफ जो है वोट दिया जाता है, और पूरा विपक्ष लामबंद है। यहां पर यह भी नहीं कहा जाएगा कि उधर कांग्रेस है और इधर जो है भाजपा है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बिल नहीं आ रहा है, खिलाफ आ रहा है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के खिलाफ। बहन मायावती जी का ट्वीट, उनका एक एक स्टेटमेंट पर सबकी नजरें बनी हुई है, जितने भी राजनीति के जानकार हैं, पत्रकार हैं, सबके सब कहते हैं
कि जो हरिवंश हैं उपसभापति, उनका एक वोट है वो भाजपा के तरफ भी दे सकते हैं और उसके खिलाफ भी दे सकते हैं, लेकिन वो उपसभापति हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, वो सब के सब इस गुत्थी में उलझे हुए हैं, क्या उपसभापति के ऊपर व्हिप का असर होगा, क्या व्हिप लागू होगा। सदन में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको यह विश्वास था कि जो मोदी सरकार है यह अल्पमत में आ सकती है, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा होगी और इसी बीच जो है अध्यादेश लागू किया जाएगा जो कि दिल्ली सरकार के खिलाफ है। और लोकसभा में यह अध्यादेश पास हो चुकी है, राज्यसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राज्यसभा में बिल्कुल जो है लबालब की स्थिति है, एक वोट से जीत एक वोट से हार हो सकती है इसमें। यह कहीं नहीं मतलब जो है सोचने वाली बात है कि अगर किसी पार्टी के पास एक सदस्य है अथवा दो सदस्य है तो उनका जो है वोट नगण्य माना जाएगा, क्योंकि एक एक वोट जो है यहाँ पर कीमती है, बहुत बड़ी खरीद फरोख्त भी हो सकता है। उधर 6 महीने की पद यात्रा पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिल्कुल साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अपनी पैर जमा रहे हैं, तमिलनाडु की यात्रा पर निकले हुए हैं, और इधर अविश्वास प्रस्ताव भी है और अध्यादेश बिल भी है। देखना यह है कि इसके बीच बहन मायावती जी का कोई बड़ा बयान विपक्ष के लिए आता है कि नहीं। वो ये कहते हैं कि नहीं कि भाई दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश जो है वो गलत है और हम इसके खिलाफ हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।